हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप मैकबुक में मैक ओएस में जो है डेस्कटॉप पर से फाइल्स को और फोल्डर्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और आपको जो है इसमें 2 से 3 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप डेस्कटॉप के फोल्डर्स और फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं ईजिली। बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है, यहाँ पर रिसाइकल बिन जो है इसके ऊपर आपको जो है इसको ड्रैग कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली ये फोल्डर डिलीट हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको अंडू कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है इस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, बहुत ईजी है नेक्स्ट स्टेप भी। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आपको कमेंड की प्रेस करते हुए आपको डिलीट बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर डिलीट हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर इस फोल्डर को यहाँ से भी अंडू कर लेता हूँ। एक और स्टेप है, आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं ईजिली। आपको यहाँ पर मेनू बार में स्टेटस बार में मैकबुक के गो का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक कर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर फोल्डर शो हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद मूव टू बिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फोल्डर यहाँ से भी इजीली डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप ये फोल्डर्स को जो है डिलीट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर से, आप जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है उसको डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।